अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत होंगे। आज हम बात करते हैं कि हमारे वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं आते, क्या मसला है इसमें। असल में आपकी जिस वजह से वीडियो पे व्यू क्यों नहीं आते, थोड़ा इंप्रेशन आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो वजह ये है कि आपके दोस्त जितने भी आए, यानी कि सब्सक्राइबर और जितने भी हैं, वो आपकी वीडियो को देखते नहीं हैं। ये आपका मैसेज आता है उनके पास, वो कर लेते हैं स्किप, ठीक है ना। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो का मैसेज आता है उसके पास, हमारे दोस्त ने ये वाला यानी कि वीडियो अपलोड किया है, तो उसके पास जैसे ही नोटिफिकेशन जाती है वो कर लेता है स्किप। इस वजह से थोड़े आपके व्यू डाउन हो जाते हैं, तो इंप्रेशन नहीं अच्छा पड़ता, जिसकी वजह से वीडियो भी डाउन हो जाती है। तो इसमें इनकी कोई यानी रैंकिंग नहीं होती। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका भी। अगर आपने जैसे देखो ना, आपने जैसे वीडियो अपलोड की तो आपके कम से कम व्हाट्सएप में तकरीबन 30 या 50 वो वाले फ्रेंड होने चाहिए जो आपका यानी कि कहना मानते हो। उनको बोला करें जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं हमारी वीडियो जाकर देखें बिना स्किप किए, ठीक है ना। तब आपकी वीडियो में इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और उस पे व्यू भी अच्छे खासे आएंगे। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका इम्प्रेशन भी अच्छा आएगा और रैंकिंग भी अच्छी करेगा आपका चैनल। इस वजह से आपके व्यू नहीं आते। उनको बोला करें कि हमारे जैसे कोई भी, ज़्यादा तो नहीं होते ना टाइम, आपकी वीडियो होगी 2 मिनट की, 4 मिनट की या 5 मिनट की भी होगी, उनसे ले लेने 5 मिनट आपने। उनको बोलना कि हमारे वीडियो जो भी आए आपने फौरन देखनी है, जैसे अपलोड की तकरीबन 10-15 सेकंड के बाद आपने फौरन देखनी है। 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपकी कम से कम 30 या 35 व्यू होने चाहिए, तो आपकी वीडियो में इम्प्रेशन भी अच्छा आएगा और रैंकिंग भी अच्छी करेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आपने कैसे वीडियो अपलोड करनी है और कौन से टैग यूज़ करने हैं। असल में है ना, आप लोग जो है ना गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो। अगर आपने सही तरीके से वीडियो अपलोड किए होते, आपको ये 60 या 50-40 व्यू नहीं आते, के में आते या फिर मिलियन में आते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ कौन सी टैग इस्तेमाल करते हैं, वीडियो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। के पास वीडियो है, सीधा आप चले जाना यूट्यूब में। यूट्यूब पे जब भी जाओगे ना, ओपन करोगे तो सीधा नीचे दरमियान में आपको प्लस का बटन दिखाई दे रहा होगा, सीधा आपने प्लस पे क्लिक कर लेना है। तो सीधा जाके अगर शार्ट है तो शार्ट पे अपलोड करना है, अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग में अपलोड करें। तो मैंने लॉन्ग में वीडियो अपलोड करनी है तो मैंने कर लिया सिलेक्ट, ये कोई सिलेक्ट। सीधा आपने लिखना है टाइटल, जो भी हो यानी कि फ़नी हो तो फ़नी लिखना है। मेरे पास तो फ़नी है, मैंने फ़नी लिखा हुआ है, तो फ़नी लिख के हैशटैग नहीं, इधर नहीं यूज़ करना है हैशटैग, इधर बस वही अपलोड करना है और नाम लिखना है जिस मुतालिक आपकी वीडियो है। इसको थोड़ा बैक करके करना है, जो पब्लिक लिखा हुआ इधर क्लिक करके आपने सीधा जाना है अनलिस्टेड पे। अनलिस्टेड पे जैसे ही आप जाएंगे ना, इनको अनलिस्टेड करके आपने चला जाना वाइट स्टूडियो में। वाइट स्टूडियो में हम पहुँच चुके हैं, आपके पास उम्मीद करता हूँ वाइट स्टूडियो होगा, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे पास तो पहले से वाइट स्टूडियो है क्योंकि मैं काम यही करता हूँ यूट्यूब का, मुझे हर यानी कि ऐप की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। सीधा वाइट स्टूडियो में हम पहुँच गए, ये देख सकते हो आप, इधर लिखा हुआ है इनके कॉन्टेंट में आपने जाना है। आपकी वीडियो में ये जो ऐसे लकीर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब अनलिस्टेड रखी हुई है आपकी वीडियो, तो इस पर आपने करना है क्लिक। ये जो आपको डार्ट दिखाई दे रहे हैं इस पर आपने करना क्लिक। तो इधर ऐड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी आपने यही लिखनी है, थोड़ा बस हैशटैग चेंज कर देना है जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, जैसे कोई फनी है या व्लॉग है इस मुतालिक हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग यूट्यूब शार्ट्स, जैसे वीडियो आपकी शार्ट्स है तो शार्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो लॉन्ग है तो आप लॉन्ग पर भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे आपकी वीडियो शार्ट है आप शार्ट में हैशटैग शार्ट्स, यूट्यूब शार्ट्स हैशटैग ट्रेंडिंग हैशटैग ये वो, जैसे ही आप वीडियो अपलोड ने 3 हैशटैग देने हैं, वो भी हैशटैग कौन से मम्मी मैं आपको बताता हूँ। हैशटैग अगर आपकी फ़नी है तो हैशटैग फनी, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग यूट्यूब वीडियो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी वायरल होगी अगर आप ऐसा ट्रिक यूज़ करोगे। तो इसको आपने करना है क्लिक। ऑडियंस पे लिखा हुआ है नो इट्स नॉट फॉर मेड किड्स, ये तो आपने ऐसे करना है, इसको रखे इधर रखना। अगर आप बच्चों के लिए अपलोड करना तो यस इट्स मेड फॉर किड्स लिख देना है। तो नीचे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, टैग लिखा हुआ है, इस टैग पे आपने 3 या 4 जितने भी आपकी मर्जी करें वो टैग लिख देना है। हैश टैग
ट्रेंडिंग हैशटैग, फनी वीडियो हैशटैग, व्लॉग, जो भी आपका जन के मुतालिक वीडियो है, मैं आपको तीन बता रहा हूँ, मैं तो तीन ही अपलोड करता हूँ, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग यूट्यूब, हैशटैग जो मेरा अपना खुद का है, जो मैं खुद बना रहा हूँ उसको, आवारा मुंडा, ठीक है ना। तो ये मैं तीन टैग यूज़ करता हूँ अक्सर, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो भी अच्छे खासे व्यू भी आ जाते हैं और ग्रो भी अच्छा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये सारा तरीका समझा देता हूँ, आपने सीधा इसको कर लेना क्लिक, ये हो गई क्लिक, तो आपने इसको पूरा क्लिक कर लेना है। तो आपने सीधा चले जाना है वही जो वीडियो आपने अनलिस्टेड कर रखी हुई थी उसको जाके करना है, अपने पब्लिक करने के फौरन ये आपने सेव कर लेनी है, ये हो गई सेव। आपके पास जितने भी दोस्त होंगे उनके पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा, वीडियो अपलोड करने के फौरन बाद नहीं आपने करना पब्लिक, दो या तीन मिनट का थोड़ा वक्फा रखना है, ठीक है ना, दो तीन मिनट के बाद आपने करनी है पब्लिक। जब भी आपकी पब्लिक हो जाएगी दोस्तों के पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा कि हमारे दोस्त ने वीडियो अपलोड किया है, चलो हम देखते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको कर लेना बाद में आपने सेव, ये होगी सेव। तो दोस्तों के पास जितने भी आपके करीब दोस्त होंगे सीधा आपने उनको बोलना है कि हमारी मेरी वीडियो नई अपलोड हो चुकी है, सीधा आपने जाके व्यू करना है, ना मानने वाले हों तो, ठीक है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए हमें इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।